अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सेव कांदा की सब्ज़ी। अगर घर में सब्ज़ी ना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं, काफ़ी रात हो चुका है, अंधेरा हो गया है तो धुआं भी बहुत ज़्यादा है हवा के लिए। तो दो बड़े चम्मच हमने तेल डाले, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा, इसे चटकने देते हैं, और एक से डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया क्योंकि मसाला जले नहीं, इसलिए हमने डाल दिया है। तो हम एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाले, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से इसे हम पहले मिक्स कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हम इसे पकाएंगे, और 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, तो पकाने में भी बहुत आँखें में धुआँ लग रही है। तो तीन बड़े टमाटर डाल दिए है बारीक कटा हुआ, और लकड़ी भी बराबर आज नहीं चल रहा है। टमाटर गलने तक अच्छे से इसे हम पानी डाल डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भूज लेते क्योंकि लकड़ी जलती भी है तो बहुत तेज़ जल रही है हवा के लिए, तो धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जल भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे से इसे हम तेल छोड़ दिया है, हमारे मसाला भूज चुका है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे मसाला भुज चुका है। आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, अच्छे से अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हो इतना अच्छे से भुज लिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च को हमने बारीक बारीक काट ली है और पानी में डालकर रख दिया ताकि काला ना पड़े, तो इसे हम छान कर डाल देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, हमने काफ़ी प्याज लिए है, कम से कम 10 से 15 प्याज को हमने बारीक बारीक कट किया है क्योंकि आज हमारे घर पे रात की सब्ज़ी यही पक रही है। तो अच्छे से पहले से हमने मिलाकर अच्छे से भूज लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। उसे 3 मिनट भूजने के बाद इसे हम ढक्कन से कवर कर देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पानी अभी छोड़ेगा प्याज, तो ढक्कन से हम कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। तो हमने ढक्कन खोल दिया, आप देख सकते हो कि काफ़ी पानी छोड़ दिया हमारे प्याज, तो इसे थोड़ा सा और हम भूज लेते हैं और इसी के अंदर फिर से थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम ढक देंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने भूज लिया, 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुजा गए हमारे मसाले। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम मिक्स कर देते हैं क्योंकि इसमें हम सेव डालेंगे, तो सेव डालने के बाद पानी जो है एक्सर्ब हो जाएगा सेव के अंदर। तो थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा और हम डाल दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो हमने पानी डाल दिया है, अब इसे एक हमने सादा सेव ले लिया है जो मार्केट में मिलता है खाने वाला, वही सेव हम इसी के अंदर डालेंगे। तो इसी के अंदर हम सेव डाल दे रहे हैं, तो हम खूब सारा डाल दे रहे हैं, कम से कम 3 से 4 मुट्ठी जैसे हमने डाल दिए है, और इसे उकलने देते हैं। ऐसे हमें मिलाना नहीं है, जब हम खाएंगे तब इसे हम मिलाकर खाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा फ्रेश धनिया है देसी वाले, तो इसी को हम कट करके डालेंगे क्योंकि इसे डालने से और भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। तब इसे हम नीचे उतार लिए, अब इसी के ऊपर हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। तो आज की रात की खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब इसे हम चलते हैं खा लेते हैं। हम आज सर्व नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।